River Thames, historical building, tourist attraction, proximity to city and central London, South Bank की खूबसूरती और पॉपुलैरिटी को चार चांद लगा देते हैं। South Bank की बहुत सारी वीडियोस देखकर आपको South Bank की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा हो ही गया होगा। ये जगह टूरिस्ट में जितनी पॉपुलर है, रिहाइश के लिए भी उससे ज़्यादा मशहूर है। South Bank से वॉकिंग डिस्टेंस पर किंग्स कॉलेज है, टावर ऑफ लंदन है, टावर ब्रिज, चर्चिल वॉर रूम्स, नेशनल गैलरी, द ब्रिटिश म्यूजियम, वेस्टमिंस्टर एबे, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम और सेंट पॉल्स कैथीड्रल हैं। South Bank पे चलते हुए ऐसे ही फील होता है जैसे आप चल रहे हैं, यू आर वॉकिंग थ्रू कल्चर कॉरिडोर्स ऑफ हिस्ट्री। एक डिफरेंट फीलिंग होती है। ये कहने में हर्ज नहीं होगा कि South Bank क्रिएटिविटी, इनोवेशन और कल्चरल इवेंट्स का हब है। South Bank सेंटर के नीचे वाकया अंडरक्राफ्ट स्केट पार्क है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ग्राफिटी आर्टिस्ट का काम नज़र आएगा। इसके साथ साथ ये जगह फेमस है स्केटबोर्डिंग के लिए। South Bank सेंटर में बेशुमार इवेंट्स का इनेकाद होता है जिनमें फेस्टिवल्स हो रहे हैं, आर्ट एग्जिबिशंस हो रहे हैं, क्लासिकल म्यूज़िक है, गिग्स हैं, लिटरेचर एंड पोइट्री के इवेंट्स हैं, परफॉर्मेंस एंड डांस हो रहे हैं, टॉक्स एंड डिबेट्स चल रही हैं, कॉमेडी इवेंट्स हो रहे हैं, फैमिलीज़ के इवेंट्स हो रहे हैं। तो इट्स अ मैसिव एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं। South Bank सेंटर में विज़िट करने के लिए नेशनल थिएटर्स हैं, हेवर्ड गैलरी है, रॉयल फेस्टिवल हॉल है, क्वीन एलिजबेथ हॉल है, पर्सनल रूम है, आर्काइव स्टूडियो है, नेशनल पोइट्री लाइब्रेरी है, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं और रेस्टोरेंट्स हैं। इसके साथ साथ South Bank सेंटर फूड मार्केट यहाँ पर होती है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है अगर आपने एक बेडरूम या दो बेडरूम या एक बड़ा घर ख़रीदना है तो उसकी क्या वैल्यू है यहाँ पे, या अगर आपने यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी रेंट करनी है तो उसकी क्या वैल्यू हो सकती है। आप लोगों को मैं डिटेल बताता हूँ कि यहाँ पर South Bank के इर्द गिर्द प्रॉपर्टीज़ की क्या प्राइसेस हैं और रेंटल वैल्यू क्या है। आप लोगों को लिए चलते हैं प्रॉपर्टी के पोर्टल राइट मूव पे दिखाने के लिए कि South Bank में प्रॉपर्टी की प्राइसेस क्या हैं। ये एक बेडरूम फ्लैट देख रहे हैं आप South Bank पे, जिसकी वैल्यू है अगर आप ख़रीदना चाहते हैं 6.25, ये 6.25 यानी कि 6 मिलियन से ज़्यादा की इसकी वैल्यू है। और ये स्पेसिफिकेशन आप देख रहे हैं इसके, ये पेंट हाउस है जो कि टॉप ऑफ जितने भी ये ब्लॉक ऑफ फ्लैट हैं, टॉल बिल्डिंग्स हैं,
जो आखिरी फ्लोर पे जो घर होता है उसे पेंट हाउस कहते हैं, इसकी वैल्यू 26 मिलियन पाउंड है। और आप इसके स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं, आप पिक्चर्स देख रहे हैं कि इसकी कैसी अंदर से ये कैसा नज़र आता है। ये 6 बेडरूम फ्लैट है, अपार्टमेंट है। ये 4 बेडरूम अपार्टमेंट है, बिल्कुल करीब है ये लंदन व्हील के, लंदन आई के। इसकी वैल्यू है जी 17 मिलियन। और ये इसके आप स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं, ये भी पेंट हाउस है जो बिल्कुल एक टॉल बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है। ये एक और 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है, आप व्यू देख रहे हैं इसका। इसकी वैल्यू, इसकी प्राइस अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो 7.3 मिलियन पाउंड। ये 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। लंदन की प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत सिक्योर और सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इवन ये इन्वेस्टमेंट गोल्ड की निस्बत ज़्यादा सिक्योर है और ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है। प्रॉपर्टी के ख़रीदने के बाद यहाँ पर रेंटल इनकम के साथ साथ प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी बढ़ती हैं, जिसे कैपिटल वैल्यू कहते हैं। आप ये सुनकर हैरान रहेंगे कि जनवरी और फरवरी के दरमियान लंदन की प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ 8% बढ़ गई हैं। और बाज़ अवक़ात तो ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ डबल हो जाती हैं और साथ साथ आप रेंटल इनकम भी अपनी जेब में डालते रहते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ का शुमार लंदन की टॉप एंड की मार्केट्स में होता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लंदन में सस्ती प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अगर आप सेंट्रल लंदन से निकल जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस कम हो जाती हैं। आपको लिए चलते हैं दिखाने के लिए कि रेंटल मार्केट साउथ बैंक में क्या है। यहाँ पर एक डबल रूम की वैल्यू ऑलमोस्ट 1000 से 1200 पाउंड के दरमियान है मंथली। जैसे 2 बेडरूम के फ्लैट का रेंट यहाँ पे 6500 पर मंथ है। ये आप स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं इसकी, इस फ्लैट का रेंट 6500 पाउंड है। ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी लोकेशन की वैल्यू है, इसके व्यूज़ आप देख रहे हैं कैसे अमेजिंग व्यू हैं। ये एक और 2 बेडरूम अपार्टमेंट है जिसका रेंट 7150 पर कैलेंडर मंथ है, यानी हर महीने इसका रेंट 7150 पाउंड है। इसके व्यूज़ देख रहे हैं आप कि किस तरह का इसका व्यू है, किस तरह के इसकी स्पेसिफिकेशन है। ये 3 बेडरूम का घर है, इसका रेंट 9750 पाउंड है। इन तमाम प्रॉपर्टीज़ का शुमार लंदन की टॉप एंड रेंटल मार्केट में होता है। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल लंदन से हटते जाएंगे दूर तो रेंटल मार्केट कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप सेंट्रल लंदन से ज़ोन 2 में, ज़ोन 3, ज़ोन 4 में रहेंगे तो रेंट कम होते जाते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट जो लंदन का विज़िट करते हैं यूजुअली लंदन के सबर्ब्स में होटल्स या एयरबीएनबी रेंट पर अरेंज कर लेते हैं। लंदन में टूरिस्ट के लिए लास्ट मिनट के लिए बहुत सारी डील्स होती हैं, और अगर आप चाहें तो आप वहाँ रह सकते हैं, विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल। इसके अलावा अगर आप लोग 6 मंथ बिफोर अगर आप बुकिंग करते हैं एयरबीएनबी फ्लैट्स के लिए या घरों के लिए, तो वो भी काफ़ी कंपैरेटिवली बेहतर प्राइस में होती हैं। अगर आप लंदन में एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं तो आपको लंदन आने से पहले अपनी अकोमोडेशन, आप कहाँ कहाँ आपने विज़िट करना है, उनकी टिकट्स ले लें, अपनी अकोमोडेशन बुक कर लें, ट्रेन टिकट्स बुक कर लें। एवरीथिंग इज़ चीप इफ़ यू बुक बिफोर हैंड।
Miami Motors. मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, अपने गिरदनुमा का ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियोस। आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। मीन टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।